गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 3 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ। आप इसके अब क्वेश्चंस को समझ लीजिए ज़रा, कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन 1 इज़ फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर है आपका 13,780 प्लस 20 इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो आपके यहाँ पर वंस टेंस टू प्लेसेस हैं बस। ठीक है, तो जो इसको ऐड करेंगे हम, तो ये कहाँ पर होगा? वंस टेंस इन दोनों में ही ऐड होगा। ठीक है, जब हम इसको इन दोनों में ऐड करेंगे तो देखिए, 0 and 0 0, 2 and 8 10, कैरी 1 7 and 1 8, अब तो कुछ नहीं बचा, तो 3 एज इट इज़ रहेगा एंड 1 भी एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह से 45,274, तो 3 जीरोज मीन्स 274 ऐसे रहेगा आपका। 45 and 5 50, तो कितना हो गया? 50,274। ओके, अब इसी तरह से ये सभी को आप यहाँ पे तक ऐड करना है, आपको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है? 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 0 6, 7 माइनस 0 7, 8 माइनस 1, देखिए 28,765 और नीचे है आपका 10,000। ठीक है, इसको करिए तो 765 एज इट इज़ रहेगा आपका, 8 भी एज इट इज़ रहेगा, 2 माइनस 1 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? 18,765। ओके, नेक्स्ट है 57,678 माइनस 5,000, तो देखिए 6,778 एज इट इज़ रहेगा, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 एंड 5 एज इट इज़ रहेगा 52,678। ठीक है, 12,876, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 400, तो कितना आएगा? 12,476। ठीक है, अब ये हैं आपके एट द फॉलोइंग। तो आई होप आपको एडिशन तो आता ही होगा करना। ठीक है, एक समझा देती हूँ मैं आपको, देखिए 6 and 4 and 3, तो 6 and 4 13, 6 और 4 10, 10 and 3 13, कैरी 1 2 and 4 6, 6 and 4 10 10 and 1 11, कैरी 1 5 1 6 7 6 and 7 13, कैरी 1 5 1 6 6 and 6 12, कैरी 1 3 1 4 4 and 3 7 7 and 1 8। ठीक है, जो कैरी होता है उसको हम नेक्स्ट रो में ऐड करते हैं। ओके, इसी तरह से अब सब्ट्रैक्शन है आपका। सब्ट्रैक्शन में भी हम कैरी लेते हैं, 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 6 2, यहाँ से 7 में से 9 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? इससे कैरी ले लेंगे, कितना हो गया ये? 17। देन 17 में से जब हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 8। ठीक है, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। ठीक है, इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है, 6 माइनस 5 इज़ 1, यहाँ पे 0 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ से कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, और 13 यहाँ कितना रहेगा? जब हमने इस पे से यहाँ कैरी लिया तो यहाँ 3 रहा, अब 3 में से 9 माइनस नहीं जाएगा, तो ये भी इससे कैरी लेंगे, तो कितना हो गया? 13। 13 में से 9 माइनस किया आपने तो कितना रहा आपका? 4। अब यहाँ कितना रहेगा? जब इसने 1 दिया तो 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। 4 में से 6 नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट, तो 14 कैरी ले लेंगे, यहाँ पर 8 रह जाएगा आपका, 14 माइनस 6 8, 8 माइनस 2 इज़। नाउ क्वेश्चन 4 इज एट द फॉलोइंग नंबर्स बाई राइटिंग इन वर्टिकल कॉलम्स। तो इसको पहले आप इसको वर्टिकल कॉलम्स में लिखेंगे, देन ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आप कर ही लेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये हैं, इनको भी सब्ट्रैक्ट करना है आपको, पहले वर्टिकल कॉलम में लिखना है, फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ओके, कैरी लेना और उसको करके, कैरी लेकर जब सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन 6 इज सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ 57,450 एंड 93,425 फ्रॉम 2,50,000। यानी कि आपको इन दोनों को तो सम करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? इन दोनों का ऐड करना है और जो इनका आंसर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको ऐड किया, 0 5 5 5 and 2 7, 4 and 4 8, 7 minus 7 and 3 10, कैरी 1, ठीक है, 9 and 5 14, 14 and 1 15। अब ये जो आंसर आया इसको हम किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2,50,000 से। ओके, तो यहाँ लिखेंगे हम 2,50,000,
और यहाँ पर लिखेंगे 1,50,875, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए जीरो है, यहाँ जीरो में से फाइव नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, तो कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस किया हमने तो 5, 9 माइनस 7 इज 2, यहाँ पर 9 रहेगा, यहाँ भी 9 रहेगा क्योंकि एक दूसरे से ये क्या करेंगे कैरी लेते रहेंगे, ठीक है। तो 9 माइनस 8 इज 1, 9 माइनस 0 इज 9, यहाँ कितना रहा अब आपका 4, तो 14, 14 माइनस 5 इज 9, यहाँ रहेगा आपका 1, 1 माइनस 1 इज 0, ठीक है। इसी तरह से आपका ये फाइंड द नंबर विच इज 3,354 लेस देन 47,845, तो आपको बताना है ऐसा नंबर जो इससे इतना कम हो, ठीक है। तो इससे इतना कम होता है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 44,491 इज 3,354 लेस देन 47,845। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिस्टर शर्मा हैड ₹3,98,175 इन हिज अकाउंट। मिस्टर शर्मा के अकाउंट में इतने रुपीज़ हैं, ठीक है, फिर उन्होंने इतने रुपीज़ और डिपॉजिट कर दिए, कितने, 2,34,281। तो अब उनसे पूछा है कि हाउ मच मनी डज ही हैव इन हिज अकाउंट, तो अब उनके अकाउंट में कितनी मनी है। तो देखिए ऑलरेडी उनके अकाउंट में कितनी थी, 3,98,175, और डिपॉजिटेड मनी कितनी हुई आपकी, 2,34,281। तो टोटल मनी बतानी है ना, तो इन दोनों को क्या करेंगे आप, ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 4 लाख, राइट, आउट ऑफ दीज 2,68,280 आर मेल्स, यानी कि इतने जो हैं वो आदमी हैं, तो बताया कि फीमेल्स कितनी हैं उसमें, यानी कि और फीमेल या लड़कियां और औरतें कितनी हैं, ठीक है, गर्ल्स एंड वुमेन कितने हैं आपके। तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना है आपका 4 लाख, और नंबर ऑफ मेल्स कितना है आपका 2,68,280। तो नंबर ऑफ फीमेल्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, टोटल पॉपुलेशन से नंबर ऑफ मेल्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा नंबर ऑफ फीमेल्स आ जाएगा 1,31,720। होप यू विल बी अंडरस्टैंड, थैंक यू।